सोनीपत के गांव ककरोई में गंदे पानी की निकासी से परेशान ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। ग्रामीणों ने लघु सचिवालय पहुंचकर अपना रोष जताया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना भी दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लाखों रुपए खर्च कर सरपंच ने पानी निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि गंदे पानी की निकासी कोई और नहीं बल्कि गांव के सरपंच ने ही रोक दी है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ फसल जहां बर्बाद हो चुकी है, वहीं कुछ मकानों को भी गंदा पानी प्रभावित कर रहा है। हम यहां आए हैं, हमारे गांव के व्यक्ति थे, उन्होंने पहले कई बार जीएम इंडो और बीडीओ डीडीपीओ सभी को एप्लीकेशन लगाई थी पानी की निकासी के लिए। जो हमारा समाधान यह था कि सरपंच ने एक पानी की पाइपलाइन दबाई थी, जो उसमें काफ़ी सरकार का पैसा वेस्ट किया उन्होंने, लेकिन उसमें पानी नहीं निकल पाया। हमारे गांव की कम से कम 500 एकड़ ज़मीन जिसमें धान खराब हो गए, गंदा पानी जाकर जो गांव का गंदा पानी था, जिसके लिए ये प्रोपोजल किया था कि पैसा लगाया था कि भाई इसको बाहर निकाल देंगे गांव से, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। खेतों में पानी घुस गया, सारी फसल नष्ट हो गई। तो फिर उसने क्या था, वो पाइपलाइन दबा कर जोड़ है जो हमारे गाँव का निकासी का, वहाँ पर उसका मुँह छोड़ रखा था पाइप का, वो उस मच्छी छोड़ रहा अपनी, उसको उसने बंद कर दिया। और कल गांव वाले इकट्ठे होकर उसको खुलवाने के लिए गए तो उसने उसको खोलने नहीं दिया। एक हमारे भाई है श्री भगवान श्री, उसके साथ झगड़ा किया था भाई कि उसको यहाँ 4-5 टाके भी आए हैं। तो हमारा प्रशासन से डीसी साहब से ये अनुरोध है कि हमारा स्थाई समाधान किया जाए। उस पुड़िया को किसने पानी रोका है? पानी जी सरपंच ने रोका, राकेश उसका नाम है, गौरव उसके पिताजी का नाम है राकेश, वो जबरदस्ती कर रहे हैं। और एक प्रशासन से हमारी मांग है, जो उसने ये प्रोपोजल बनाया था ना जो पानी निकासी का, उसकी विजिलेंस जांच कराई जाए। कम से कम 40-50 लाख का ये उसका टेंडर था और उसने कुछ नहीं किया, वो नहीं हमारा समाधान हुआ, सारे पैसे खा गया गाँव के। तो हमारा प्रशासन जैसे वो है, अब उसका समाधान किया जाए। कई आदमी तो जी ऐसे हैं जो 100-100 गज के प्लॉट होते ना जो सरकार ने काटे थे, उसमें रह रहे थे, वो मजबूर हो रहे हैं अब 8 महीने से चौपाल में रह रहे, सरकारी गाँव की चौपाल में, उसका कोई समाधान नहीं है। तो हमारा प्रशासन जी हाथ जोड़ कर यही वो है कि हमारा स्थायी समाधान किया जाए पानी का, और जी उसके खिलाफ जो दोषी है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बस सर, हम और कुछ नहीं चाहते, बस इसीलिए आज हमारे गांव के ये सभी व्यक्ति आए हैं यहां पर, इसका कुछ समाधान किया जाए। ग्रामीणों ने गांव से गंदे पानी की निकासी को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने मांग उठाई है कि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए, नहीं तो ग्रामीण कोई बड़ा प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। बहरहाल प्रशासन की ओर से तहसीलदार ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि ककरोई गांव में गंदे पानी की निकासी कब तक सुचारू रूप से होने लगेगी। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।